हाल ही में 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में 4 में बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी जीत का जश्न मनाने में लगी हुई थी, लेकिन इस जश्न में अब भंग पड़ गया है। जी हां, जीत के बीच बीजेपी को बड़ी हार मिलने की खबर आई है, और ये हार मिली कभी बीजेपी की सहयोगी रही पार्टी से। तो कहां हारी बीजेपी, देखे ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों में मिली जीत की खुमारी से बीजेपी अभी बाहर निकली भी नहीं थी कि पार्टी के लिए एक बुरी खबर सामने आ गई। ओडिशा में हुए नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। राज्य के 3 नगर निगम, 47 नगर पालिका और 58 नोटिफाइड एरिया काउंसिल यानी NAC की 1888 वार्डों पर हुए चुनावों में बीजू जनता दल ने बड़ी जीत हासिल की है। 24 मार्च को हुए चुनाव में करीब 65% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया था। यहां कुल 40.55 लाख मतदाता हैं। राज्य में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव सीधा जनता से कराया गया था। इसके साथ ही वार्ड सदस्यों के भी चुनाव हुए थे। 1888 वार्डों में से अब तक घोषित 1832 सीटों के रिजल्ट सामने आ गए हैं, जिनमें बीजेडी को 1256 वार्डों में जीत हासिल हुई है, जबकि बीजेपी सिर्फ 304 सीटें ही जीत पाई है। कांग्रेस 139 और अन्य के खाते में 133 सीटें गई हैं। इसके अलावा बीजू जनता दल को भुवनेश्वर, कटक और बेरहामपुर नगर निगम में मेयर पद पर बड़ी जीत हासिल हुई है। तीनों नगर निगम बीजेडी के कब्जे में आ चुके हैं। इसके साथ ही बीजेडी ने 43 नगर पालिका और NAC पर भी कब्जा जमा लिया है। कुल मिलाकर बीजेडी ने 76 निकायों पर कब्जा कर लिया है, जबकि बीजेपी सिर्फ 16 नगर पालिका और NAC में ही जीत हासिल कर पाई है। कांग्रेस को 7 और अन्य को 9 जगह जीत मिली है। इससे पहले नगर पंचायत चुनावों में भी बीजेडी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। बड़ी जीत से बीजेडी में उत्साह देखा जा सकता है। पार्टी ने दावा किया है कि नवीन पटनायक सरकार के प्रति लोगों का भरोसा कायम है। जनता ने विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। ओडिशा में मिली जीत के बाद बीजेडी ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी पार्टी को ही जनता चुनेगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।